Hello friends, so in the previous part we have discussed about the fundamental units and we are about to know that we have seven fundamental quantities like length, mass, time, electric current, thermodynamic temperature, amount of substance and luminous intensity. And regarding to that we have seven units like meter, kilogram, second, ampere, kelvin, mole, candela. And I have told you that using these units we can derive almost any units in the physics and in the science. We are also given the symbol, and I also told you how to write the symbol. Okay, there are particular rules that have to be followed in order to write the symbols. Now we need two another unit, that is called supplementary units, and we are going to start right from supplementary units. So today's lecture is about supplementary unit and to know about the radian. So supplementary physical quantity, the unit symbol in the SI system is given here in the table. Why this is called the supplementary unit? Because this unit will be used in physics in mostly in most part, but this unit will not have dimensional formula. Okay, do not just bother with the dimensional formula, we are going to discuss that later. Okay, these unit are to help us in order to achieve our goal in any equation. कोई भी equation हमें बनाना हो तो ये जो angle वाला units है वो हमें help करेगा. चलो तो यहाँ पर दो यूनिट हमें पढ़ने हैं, वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है और वो हमें इक्वेशन बनाने में हेल्प करेंगे. सो लेट्स सी, फर्स्ट यूनिट इज कॉल्ड प्लेन एंगल और सिंपल से एंगल. इट इज कॉल्ड प्लेन एंगल और उसका जो क्वांटिटी है, उसका जो यूनिट है वो रेडियन है और उसका जो सिंबल है जो राइट करेंगे वो है रेडियन. अभी एंगल क्या है, प्लेन एंगल, तो मतलब हमारे पास एक्चुअली दो एंगल होते हैं. इसमें से प्लेन एंगल कैसे होता है, मतलब ये जो है टू डायमेंशनल प्लेन है. यहाँ पर आप जो स्क्रीन देख रहे हैं वो टू डायमेंशनल प्लेन है. वहाँ पर दो लाइन इस तरह से एंगल बनाए तो उसे कहते हैं सिंपली प्लेन एंगल. ओके, ये जो एंगल होता है उसको डिनोट करने में यहाँ पर जो एंगल हमें मिलता है वो हम मोस्टली और यूजली थीटा से डिनोट करते हैं, आप जानते हैं. तो यहाँ पर जो दो यहाँ पर जो एंगल बने हैं उसको डिनोट करने के लिए हम डिग्री का यूज़ करते हैं, पता है आपको 30 डिग्री, ओके, और 40 डिग्री. ओके, तो हम डिग्री को जानते हैं, डिग्री वो हमारे लिए एंगल बनाते हैं और डिग्री का सिंबल इस तरह से कुछ लेते हैं. अब एक डिग्री की जगह हम रेडियन यूज़ करने वाले हैं. अब रेडियन क्या है ये आप एक दफ़ा समझ लीजिए. जो यहाँ पर रेडियन हमें एंगल मिलता है वो मैथ्स और फिजिक्स में मोस्टली यूज होता है. अब तक आपने उसके बारे में कुछ जाना नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा हायर स्टडी में आता है. तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल, इसको हम कह दें यूनिट सर्कल. यूनिट सर्कल इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर हम उसकी रेडियस बनाएं इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस ले लें, ओके, एंड ये जो सेंटर है वहाँ से लेके यहाँ पर सर्कमफेरेंस का जो डिस्टेंस है वो यूनिट हो. यूनिट हो मतलब क्या कि वो जो डिस्टेंस है हम 1 ले लें एग्जांपल, ओके, तो वो यूनिट रेडियस बन जाएगा. ये जो रेडियस है वो यूनिट, अबे 1 क्या, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, तो कुछ भी, मतलब 1 होना चाहिए. देन दिस सर्कल इज कॉल्ड यूनिट सर्कल. एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा 1 मीटर का, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 1 मीटर का हमारा रेडियस है और उसको लेकर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये सर्कल को हम कहेंगे यूनिट सर्कल. ओके, अब आप यहाँ पर देखिएगा रेडियन कैसे बनता है और रेडियन कैसे यूजफुल है. समझो कि ये जो हमारा रेडियस है वो है आर, जो यूनिट हो मैंने कहा कि 1 होना चाहिए. ये जो डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस लेकर
कितना डिस्टेंस लेकर हम एक सेक्शन बना सकते हैं, मतलब चलो ये भी डिस्टेंस है हमारा आर, ओके ये डिस्टेंस आर है, उसका यहाँ पर हम सेक्शन बना दे इस तरह से, इसको यहाँ पर रैप कर दे, ये आर जितना डिस्टेंस यहाँ पर हम रैप कर दे इतना डिस्टेंस, ओके तो ये डिस्टेंस तो आपको पता है, ये तो क्या कहते हैं हम आर, ओके ये डिस्टेंस हमारा आर है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको कहते हैं 1 रेडियन, ओके सो व्हेन इट इज कॉल्ड 1 रेडियन, तो जब हमारा रेडियस ओके और उसका सेक्शन आर्क सेक्शन जो होता है वो दोनों सेम हो, मतलब ये भी आर हो और ये डिस्टेंस भी हमारा आर हो, तो उसे कहते हैं 1 रेडियन, ओके ये जो एंगल यहाँ पर बना उतना एंगल, चलो या आर डिस्टेंस यहाँ पर बना उतना थोड़ा और ज़्यादा आर यहाँ पर हम ले ले, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर आर ले ले, अब जो एंगल बनेगा ये एंगल है उसे कहते हैं 2 रेडियन, अब ये 2 रेडियन हो गया, ओके उतना ही हम आगे ले ले, उतना डिस्टेंस हम आगे ले ले आर जितना, और अब जो एंगल बनेगा ये वाला जो टोटल एंगल बनेगा उसे कहते 3 रेडियन, ओके 3 टाइम्स हो गया, और यहाँ तक आप आएंगे तो क्या आपको मिलेगा पता है, वेरी सरप्राइजिंग, आपको वहाँ पर वैल्यू मिलेंगी, यहाँ पर कितनी थी, यहाँ तक हमारी वैल्यू थी 3 रेडियन, यहाँ पर हमारी वैल्यू थी 3 रेडियन, ओके यहाँ पर हमारी वैल्यू थी यहाँ पर 2 रेडियन, ओके यहाँ पर थी 1 रेडियन, चलो तो आपने आर जितना यहाँ पर डिस्टेंस लिया और जो एंगल बना उसका नाम आपने दे दिया, आपने जस्ट दे दिया, अभी आप इन्वेंट करने वाले, इसकी डिस्कवरी करने वाले, आप ही अपने आप साइंटिस्ट है, तो आप इसे बोल दीजिएगा ये है आपका एंगल 1 रेडियन, ये पूरा एंगल 1 रेडियन, अब उतना डिस्टेंस आगे ले लीजिए तो जो एंगल बनेगा उससे टोटल जो एंगल बनेगा उसको बोल देंगे आप 2 रेडियन, उतना डिस्टेंस आगे ले लेंगे जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे 3 रेडियन, आप यहाँ पर आएंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो 3.14 एक्सेट्रा और कंटिन्यू होगी, मतलब यहाँ पर 3.14 की वैल्यू मिलेगी, और वो जो वैल्यू मिलेगी उसे आप कहेंगे पाई, ओके तो यहाँ पर जो आप सामने एग्जैक्टली ऑपोजिट डिरेक्शन में आ जाएंगे तो यहाँ पर जो एंगल मिलेगा उसे कहते हैं पाई रेडियन, ओके तो ये सरप्राइजिंग थिंग है कि अगर इसे हम रेडियन इन्वेंट करने जाए तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा यहाँ पर जो होगा वो 0 रेडियन होगा, तो सामने आप आ जाएंगे तो जो वैल्यू होगी उसे आप कहेंगे पाई रेडियन, अगर ये पाई रेडियन है ओके तो एग्जैक्टली यहाँ पर आप आ जाएंगे तो टोटल हो जाएगी 2 पाई रेडियन, अब ये सर्कल जो है वो कितने रेडियन का बन गया टोटल, तो आप बोलेंगे 2 पाई रेडियन का बन गया, ओके ये 2 पाई रेडियन हमारे हो गए, डिग्री में बोलेंगे तो 360 डिग्री का सर्कल बन गया, वही बात अगर हम रेडियन में देखने जाए तो 2 पाई रेडियन का सर्कल बन गया, इसे कहते हैं प्लेन एंगल फ्रेंड्स, तो मैंने बात पोस्टपोन की थी क्योंकि ये समझाने के लिए कि रेडियन कैसे काम करता है, अब उसका इक्वेशन जरा देख लीजिएगा, ये इक्वेशन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कहूँगा कि इसको आप स्किप करेंगे, ये जो बात है इसको नोटबुक में आप लिख देंगे, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस आर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड प्लेन एंगल, सो ये जो रेडियन कैसे बनता है और प्लेन एंगल कैसे बनता है, तो आर्क बाय रेडियस, तो यहाँ पर मैंने जो बताया वहाँ से हम अपना एक इक्वेशन बना देते हैं कि यहाँ पर आपको कोई सर्कल दिया जाए, यहाँ पर आपको कोई सर्कल दिया जाए ओके तो यहाँ पर रेडियन कैसे बनेगा, समझो कि यहाँ पर एक एंगल ले लेते हैं हम, ये वाला हमारा एंगल बन गया ओके ये थीटा, तो अभी रेडियन कैसे डिफाइन करेंगे, रेडियन मतलब हमारा एंगल, हमारा प्लेन एंगल इन द रेडियन थीटा इज इक्वल टू द आर्क,
आर्क मीन्स द सेक्शन, दिस वन, दिस पोर्शन इज कॉल्ड आर्क. ओके, ये जो पार्ट है आर्क कहते हैं, ए टू बी इतना जो पार्ट है वो आर्क कहते हैं. तो आर्क, आर्क बाय ये जो डिस्टेंस है उसको रेडियस बोलते हैं, या सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस बोलते हैं, आर्क बाय रेडियस. ये जो है वो हमारा रेडियन दोस्तों बन गया. तो आपको भी पता चला कि हमारा जो एंगल है वो मेजर करने के लिए हम एक अलग से मेथड यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो मेथड है रेडियन वाली मेथड. आप रेडियन का यूज़ करेंगे तो कुछ एडवांटेजेस फिजिक्स में मिलेंगे. वो एडवांटेजेस क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ, पर पहले रेडियन की बात मैं पूरी कर दूँ. तो कोई भी एंगल हो, समझो कि टू है, उसको अगर हमें रेडियन में इंडिकेट करना है तो पीछे लिखना है रेडियन. ओके, तो ये हमारा रेडियन बन गया. और सिंपली अगर आप टू लिखेंगे तो भी वो रेडियन ही रहेगा. अगर आपको डिग्री में लिखना है तो आपको कंपलसरी लिखना होगा टू डिग्री, तो ही वो डिग्री कहलाएगा, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड रेडियन. तो आपको रेडियन पीछे लिखना है और नहीं लिखना, अगर नहीं लिखेंगे तो भी वो रेडियन रहेगा. अगर डिग्री में आपको इंडिकेट करना है तो आपको डिग्री का सिंबल रखना होगा. चलो आपको सपोज ली दिया जाएगा 3 पाई, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, तो आप समझ जाएंगे कि वो रेडियन होगा. ओके, तो पीछे रेडियन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, पर मोस्टली हम ऐसे ही पाई वाला जो एंगल लिखते हैं वो रेडियन में ही होता है, विदाउट पाई होता है तो भी हम रेडियन में ही लेंगे. सो दिस इज द क्लेरिफिकेशन आई वुड लाइक टू टेल यू. ओके, अगर डिग्री में लिखना है तो ये सिंबल होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर रेडियन. चलो अब ये जो सर्कल था उसकी मैं बात करता हूँ. चलो तो हमारे यहाँ पर सर्कल है, और ये जो सर्कल है उसे कहते हैं हम यूनिट सर्कल. ओके, और यहाँ पर ये जो एंगल है यहाँ से शुरू होगा, तो यहाँ पर आता है 0 रेडियन, इसको कहते हैं 0 रेडियन. मैं 0 ही लिखूँगा, पीछे रेडियन नहीं लिखूँगा. ओके, तो आपको ये पता चल जाएगा. अब यहाँ से यहाँ पर सामने आप आएंगे तो कितना रेडियन होगा, अभी आप मैंने आपको समझाया, तो वो होगा पाई रेडियन. ओके, और यहाँ पर घूम के आ जाएंगे तो टोटल हो जाएगा 2 पाई रेडियन. ओके, सो उसके साथ हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ से शुरू करके यहाँ तक पाई आया, तो यहाँ वाला जो पार्ट है उसे हम बोलेंगे हाफ, लेकिन पाई बाय 2 रेडियन. ओके, तो ये जो क्वार्टर पोर्शन है उसे कहते हैं पाई बाय 2 रेडियन. ओके, देन अगेन पाई बाय 2 रेडियन, तो टोटल कितना हो गया, पाई रेडियन हो गया. चलो आगे आते, अगेन पाई बाय 2 रेडियन, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 3 पाई बाय 2 रेडियन. यहाँ पर जो एंगल होगा वो कितना होगा, 3 पाई बाय 2 रेडियन. ये दोस्तों आपको पता चला, पाई बाय 2 एक टाइम, ये 1 टाइम पाई बाय 2, अगेन पाई बाय 2 सेकेंड टाइम. ओके, एंड पाई बाय 2 3 टाइम. यहाँ तक का जो एंगल है वो पाई बाय 2 कितनी टाइम, मतलब 3 टाइम, तो क्या हो गया, 3 पाई बाय 2. और यहाँ तक आप आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई. तो हमारा जो सर्कल है उसमें हम रेडियन में अगर उसको लिखेंगे तो ऐसे सर्कल को लिख पाएंगे. ये जो बात है उसमें से इतना पोर्शन है वो आप याद रखेंगे, पाई बाय 2 पाई बाय 2, ये समझने के लिए, देन ये एंगल आप याद रखेंगे. ओके, अब दोस्तों इसमें क्या होगा कि डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन कैसे करेंगे. तो मतलब आपको जब एंगल दिया जाए तो उसको डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे. चलो आपको डिग्री दिया जाए, चलो समझ लीजिए आपको 1 डिग्री दिया गया, तो मैं लिखूँगा 1 डिग्री. उसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो जो आपको एंगल दिया जाए उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है. पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो वो बन जाएगा रेडियन. ओके, यहाँ हमें मिल जाएगा रेडियन. तो हमारा जो भी एंगल हो वो कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री से रेडियन में.
ओके सपोजली वी आर गिवन फ्यू एंगल्स, मैं कुछ एंगल की बात करूंगा जो एंगल आपको नोटबुक में लिखने हैं। चलो ये बात जो है नोटबुक में लिखनी है वो मैंने आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड की थी उसमें दी गई है। चलो मैं आपको पीडीएफ वो जो है उसको बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो हमारी पीडीएफ थी उस पीडीएफ को लेकर हम ये बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमें कुछ एंगल्स रेडियन में और कैसे डिग्री में लिखने यहाँ पर हमें दिए गए। चलो तो 0 डिग्री मतलब 0 रेडियन, यहाँ पर 30 डिग्री लिखा है वो होगा पाई बाय 6 रेडियन। कैसे? तो ये जो फॉर्मूला है वो हम यूज़ करते हैं। चलो समझ लो कि हमें यहाँ पर दिया गया है 30 डिग्री, ओके, और उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 30 डिग्री इंटू पाई बाय 180, ओके, ये हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो तो क्या होगा, यहाँ पर 0 गेट्स कैंसल फ्रॉम बोथ साइड, यहाँ पर हो जाएगा 6 3 6 दैट गिव्स 18, तो हो गया पाई बाय 6 रेडियन, ओके। तो जो जो 30 डिग्री है उसका बन जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। सिमिलरली मैं बोलूँगा चलो हमें लेना है 60 डिग्री, ओके, ये भी याद रखना है आपको। तो 60 डिग्री का क्या होगा, तो 60 डिग्री इंटू पाई बाय 180, ओके, 0 गेट्स कैंसल, यहाँ पर 6 3 18, सो ये हो गया पाई बाय 3 रेडियन, ओके, तो ये हो गया पाई बाय 3 रेडियन। चलो ये आपको याद रखना है, सॉरी रेडियन, चलो ये आपको याद रखना है। फिर एक और एंगल हम ले ले जिसको हम बोलेंगे 45 डिग्री, 45 डिग्री, चलो इसका भी आपको याद रखना है। ये कैसे याद रखेंगे, 45 डिग्री इंटू पाई बाय 180, ओके, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 रेडियन। 45 और 180 डिवाइड करेंगे आप तो मिल जाएगा पाई बाय 4 रेडियन, ओके। तो ये कुछ एंगल्स थे जो हमें याद रखने थे और उसको लेकर हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो तो 30 डिग्री को बोलेंगे पाई बाय 6 और 60 को बोलेंगे पाई बाय 3 रेडियन, 45 को बोलेंगे पाई बाय 4 रेडियन। अब किसी को ये याद रखने में दिक्कत हो तो इसकी ट्रिक क्या है, अब मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बता दूँ। ट्रिक क्या है याद रखने की, ये नोटबुक में आप लिखेंगे। ट्रिक ये है, अगर 3 आए तो पाई बाय 6 लिखना है, 6 आना चाहिए याद रखना, और अगर 6 हो मतलब 60 डिग्री अगर लिखना हो तो पाई बाय 3 होना चाहिए। दोनों अपोजिट में ज़रा देख लीजिएगा, मतलब 30 डिग्री के लिए क्या होना चाहिए, तो 6 डिवीज़न में आना चाहिए पाई बाय 6, और 60 डिग्री के लिए क्या होना चाहिए, तो पाई बाय 3। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 6 आना चाहिए, 6 है तो यहाँ पर 3 आना चाहिए, तो आप इजीली इसको रिमेम्बर कर जाए। 45 के लिए क्या आना चाहिए, यहाँ पर 4 है तो वो तो 4 ही आना चाहिए क्योंकि वो मिडल का एंगल है, ओके। तो ये बन गए हमारे एंगल और उसको याद रखने की मैंने यहाँ पर ट्रिक आपको बताई। अब कुछ एंगल जो है वो भी हमें और याद रखने हैं, वो सिंपल एंगल है, मैं ज़्यादा बर्डन नहीं रखूँगा। यहाँ पर जो हमारा सर्कल था, यहाँ पर उसमें यहाँ पर 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री, तो रेडियन भी कितना बनेगा वहाँ पर, 0 रेडियन बनेगा वहाँ पर, 0 रेडियन बनेगा, ओके। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो कितना डिग्री बनेगा, मतलब यहाँ पर एंगल बन गया 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो मैंने अभी आपको एक इमेज में बताया है यहाँ वहाँ पर पाई बाय 2 रेडियन होता है, कितना, पाई बाय 2 रेडियन, ओके। तो वहाँ पर हम लिखेंगे पाई बाय 2 रेडियन, ये हो गया रेडियन का, ओके। चलो यहाँ पर 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, तो वहाँ पर हमारा रेडियन बनेगा पाई रेडियन। यहाँ पर जो एंगल आएगा वो बनेगा 270 डिग्री, 270 डिग्री, तो वहाँ का एंगल बन जाएगा 3 पाई बाय
2 रेडियन, और यहाँ पर अगर घूम के आएंगे 360, तो 360 डिग्री यहाँ पर होगा पूरा सर्कल, तो वो टोटल हो जाएगा 2 पाई रेडियन। चलो तो आपने यहाँ पर रेडियन समझ लिया, ओके, आई होप दिस विल हेल्प यू हियर इन द फॉर्मूला। तो कहाँ पर कितना मतलब हमें एंगल लेना है उसकी वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई। चलो तो 0 डिग्री है तो उसको बोलेंगे 0 रेडियन, 30 डिग्री है तो पाई बाई 6, 45 है तो पाई बाई 4, 60 है तो पाई बाई 3, 90 है पाई बाई 2, 180 है पाई, 270 है 3 पाई बाई 2, और 360 है 2 पाई रेडियन उसको बोलेंगे। ओके, तो ये हमारा पूरा जो था वो कन्वर्जन हो गया। तो यहाँ हमें दिया जाएगा कि 1 रेडियन इज डिफाइंड एज ए एंगल सब्सटेंडेड बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। मैंने बताया कि जो रेडियस और आर्क सेम होगी तो उसे 1 रेडियस कहते हैं, और हमारा जो कन्वर्जन होता है 1 डिग्री का वो आप नोटबुक में लिखेंगे। 1 डिग्री कैसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो मैंने आपको बताया कि हम 1 डिग्री जो है और कोई भी डिग्री उसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180। अब ऑपोजिट टू दैट हमें समझो कि रेडियन से हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे। तो हमें जो रेडियन दिया जाए, सपोजली वी आर गिवन 2 पाई रेडियन, ओके, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम उसका 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 180 2 पाई। चलो तो ऐसे अगर हम करेंगे तो हमारी यहाँ जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी डिग्री में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसे मल्टीप्लाई करना होगा पाई बाय 180 से। सिमिलर टू दैट और ऑपोजिट टू दैट, रेडियन से अगर डिग्री में जाना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो ये बात आपको पता चल गई। अब ऐसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो इजीली पाई विल बी गेट कैंसल्ड, एंड हैंस ये जो एंगल है 180 इंटू 2 तो कितना एंगल बन जाएगा, तो ये एंगल बन जाएगा 360 डिग्री। हो गया हमारा 2 पाई रेडियन मतलब 360 डिग्री, मैंने अभी जो समझाया 2 पाई रेडियन मतलब 360 डिग्री। तो अगर यहाँ पर हमें क्या करना है, जो थीटा रेडियन में है, जो थीटा रेडियन नोटबुक में लिखना है थीटा रेडियन में है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो थीटा जो रेडियन में है उसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको ये जो एंगल है वो मिल जाएगा डिग्री में। ओके, चलो अब यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक ये है कब 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना और कब पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना। तो जब आपको कोई भी एंगल रेडियन में कन्वर्ट करना हो, कोई एंगल डिग्री से कहाँ पर रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो रेडियन में पाई आना चाहिए, तो जो आपका एंगल हो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में पाई आना होना चाहिए एंड डिनोमिनेटर में 180 आना होना चाहिए। ओके, क्योंकि आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है और रेडियन में पाई आएगा। ऑपोजिट टू दैट, इफ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इन डिग्री, सपोजली फ्रॉम रेडियन 2 डिग्री, देन द एंगल शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 180 बाय पाई। यहाँ पर पाई जो है वो डिनोमिनेटर में आना चाहिए क्योंकि हमारा पाई पाई निकल जाएगा और डिग्री बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर रेडियन में आप जब कन्वर्ट करो तो नॉमिनेटर में पाई आना चाहिए, तो वो जो एंगल हो पाई वाला बन जाएगा। ओके, तो ये जो बात है आपको नोटबुक में लिखनी है। लेट मी सी इफ दिस इज गिवन इन द फॉर्मूला PDF. If it is given in formula PDF, then will help us to understand that. Okay. So यहाँ पर दिया नहीं गया तो आपको ये जो है वो नोटबुक में लिखना है। ओके, तो ये बात आपको यहाँ पर समझनी है। चलो अब मैं आगे बताऊँ, दूसरा जो एंगल है उसे कहते हैं सॉलिड एंगल। पहले मैं आपको ये प्लेन एंगल जो है उसका एक अच्छा वाला फिगर मैं बताना चाहूँगा। तो दोस्तों रेडियन कैसे बनता है उसका एक GF यहाँ पर दिया गया है। तो रेडियन को समझ लीजिए, समझ लो कि ये जो रेडियस था उसका आर्क ले लो तो ये 1 रेडियन हो जाएगा। उतना डबल आप एंगल ले लो तो वो हो जाएगा 2 रेडियन।
उतना तीन गुना ले लो तो हो जाएगा 3 रेडियन। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी 3.15 के करीब होगी, तो वो हो जाएगा पाई रेडियन। तो उतना नीचे आप ले लीजिएगा तो हो गया 2 पाई रेडियन। ओके, तो पूरा सर्कल कितना रेडियन का होता है, तो आप समझ जाएंगे कि पूरा सर्कल जो है वो 2 पाई रेडियन का होता है। ओके, तो रेडियन ऐसे काम करता है। अब ये जो है वो फिगर भी आप देख लीजिएगा, ये सर्कल जो है उसको पूरा आप घुमाएंगे तो उसका जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस टोटल है वो 2 पाई रेडियन का, यहाँ पर जो वैल्यू मिलेंगी वो 2 पाई रेडियन हो जाएगी। चलो ये हाफ सर्कल घुमा तो यहाँ पर 3.14, और पूरा घुमा तो 2 पाई रेडियन यहाँ पर हो जाएगा। ओके, अब ये जो फिगर थी भाई मैं आपको बताना चाहता था कि ये जो फिगर है उसको आप एक दफा देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा जो एंगल है वो 0 डिग्री और 2 पाई रेडियन जिसे बोलते हैं, रेडियंस में 0 रेडियन बोलेंगे। यहाँ से एंगल ये जो बनेगा वो है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री को हम कैसे डिनोट करेंगे, पाई बाय 6 से डिनोट करेंगे। ओके, आगे जाएंगे, यहाँ पर है 45 डिग्री का एंगल, उसको बोलते हैं पाई बाय 4। यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो 60 डिग्री का एंगल है, उसे बोलेंगे पाई बाय 3। यहाँ पर पाई बाय 2, 2 पाई बाय 3, ये आगे के जो एंगल हैं ये सब 2 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 4, ये आपको याद नहीं रखने हैं। ओके, आपको कितने याद रखने हैं, वो जो फॉर्मूला में टेबल में दिए गए इतने एंगल आपको याद रखने, सिर्फ इतने एंगल। ओके, नो मोर एंगल्स, तो आपको वो बर्डन नहीं रहेगा, ये मैं आपको समझाने के लिए रख रहा हूँ। तो ये जो डिग्री और रेडियंस है उसका कन्वर्जन है, कन्वर्जन करने के लिए यहाँ पर दिया गया, समझो कि डिग्री से अगर रेडियन में करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करिए, और रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कीजिए, देन यू विल गेट द वैल्यूज। तो आपको ये अभी पता चला। चलो, तो ये बात मैं आपको बता रहा था, और देन वी विल सी अनदर एंगल, सॉलिड एंगल, उसको बोलते हैं स्टी रेडियन। ये जो है वो रेडियन है और इसे बोलते हैं स्टी रेडियन। ओके, और ये जो रेडियन का सिंबल था उसी तरह स्टी रेडियन का सिंबल है SR। इसे हमें देखना है अभी, पर पूरे फिजिक्स में ये कहीं भी यूज नहीं होने वाला, मैं आपको बता दूँ ये बात, ये कहीं भी यूज नहीं होने वाला। चलो, अब सॉलिड एंगल है क्या, सॉलिड एंगल है क्या, तो पहले मैं यहाँ पर रेडियन की जो बात थी वो मैं बता दूँ कि रेडियन था वो प्लेन एंगल था, मतलब अभी जो प्लेन है वहाँ पर मैं एंगल ड्रॉ कर दूँ तो वो हमारा सिंपल वाला जो एंगल होता है वो बनता है रेडियन वाला। ओके, प्लेन में अगर मैं वही बात 3 डिमेंशन में यूज़ करूँ, कि 3 डिमेंशन में मुझे कोई एंगल ड्रॉ करना है, ओके, तो वो एंगल कैसा दिखेगा, समझो कि यहाँ पर मैं 3 डिमेंशन में एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर 3 डिमेंशन में एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो जो एंगल है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये 3 डिमेंशन में हमारा एंगल हो गया टोटल। ओके, एक्स वाई जेड 3 डिमेंशन है, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं स्टी रेडियन, और स्टी रेडियन जो है उसको हम डिनोट करने के लिए ओमेगा का यूज करेंगे, ओमेगा। ओके, जो मैंने बताया कि यूजुअली ये नहीं आने वाला, तो आप उसकी ज़्यादा मतलब जब बोधर ना हुए, मतलब स्टी रेडियन को आपको याद रखना है। चलो, उसका हमारा जो यहाँ पर इक्वेशन था कि मतलब रेडियन जो है उसको प्लेन एंगल को कैसे याद रखेंगे, आर्क बाय रेडियस पे मस्ट रिमेंबर दिस वन, दिस इज़ वेरी 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 यूजफुल इन अवर फिजिक्स, वी आर गोइंग टू यूज मैनी टाइम्स इन द फिजिक्स। सिमिलर टू दैट, हियर स्टी रेडियन इज एरिया बाय रेडियस स्क्वायर। ओके, हाउ इज सो, यहाँ पर हमें 3 डिमेंशन में ए स्टी रेडियन और सॉलिड एंगल दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर जो सामने एरिया होता है वो एरिया बाय वहाँ पर जो रेडियस होता है उसका स्क्वायर, तो मतलब डेल्टा ए बाय आर स्क्वायर, ऐसे हमारा बनता है। ये जो हमारा एरिया है ये वाला एरिया, ओके, वो एरिया और हमारा रेडियस अगर आर हो तो सॉलिड एंगल जो है वो बनेगा ओमेगा इज इक्वल टू एरिया बाय रेडियस स्क्वायर। ओके, और स्टी रेडियन को कैसे डिनोट करेंगे, एस आर स्टी रेडियन। ओके, आई वुड लाइक टू गिव यू सम आइडिया ऑन टू दैट। चलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक स्फीयर दिया गया, स्फीयर का एक यहाँ पर पोर्शन है जिसका एरिया है ए,
ओके, तो स्टी रेडियन कैसे बनता है उसकी कुछ फिगर में बता दिया पर चलो, यहाँ पर स्टी रेडियन जो है, ओके ये वाले फिगर कुछ अच्छी है, यहाँ पर आप समझ लीजिए वो थ्री डिमेंशन में यहाँ पर जो एंगल बनता है ना उसे बोलते हैं स्टी रेडियन। बट सिंस इन 11 12 स्टैंडर्ड वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस थ्री डायमेंशनल एंगल, हैंस सॉलिड एंगल जो यहाँ पर स्टी रेडियन होता है वो यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ तक ये जो वीडियो में हमने डिस्कशन की उसमें आपको ये बातें समझनी है कि दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन से है, वो है प्लेन एंगल जिसमें रेडियन और सॉलिड एंगल है। मैं बता दूं दोस्तों कि हमारे फिजिक्स में जो भी एंगल बाय डिफॉल्ट यूज़ होगा वो होगा रेडियन। हम डिग्री भी यूज़ करेंगे पर डिग्री को जब डिनोट करेंगे तो हमारा जो डिग्री होगा उसके ऊपर सिंबल लिखना ज़रूरी है, ओके 90 डिग्री। अगर सिर्फ आप 90 लिखेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रेडियन, उसके पीछे लिखा हो या नहीं लिखा हो। तो आपको ये बात जो थी उसमें वीडियो में मैंने बताया, वो कुछ बातें जो थी वो आपको नोटबुक में राइट करनी, लाइक द कन्वर्जन कैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं और कौन से एंगल याद रखने हैं। ओके, तो ये एंगल जो है इतने वो कौन से डिग्री में है कौन से रेडियन में है वो आपको देखना है। अब जो होगा हमने रेडियन समझ लिया तो अब हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे ये यूनिट सर्कल काम करता है, यहाँ पर साइन कॉस जो है उसकी साइन कैसे काम करती है और ये जो वैल्यू है उसको हम कैसे याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स दैट इज़ फॉर नाउ, बट बिफोर दैट यू शुड ट्राई सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड सम स्पेशल एंगल्स टू रिमेंबर।